वेलकम बैक एवरीवन टू अनदर वीडियो। आज के दिन हम लोग माइनक्राफ्ट के अंदर करने वाले चीटिंग। यस, तुम लोगों ने एकदम सही सुना, आज हम लोग खुल के चीटिंग करने वाले माइनक्राफ्ट के अंदर। बिकॉज आज हम लोग एक ऐसे मैप के अंदर आए हैं गाइस, जिस मैप के रूल्स कहते हैं यू आर अलाउड टू यूज एनी कमांड व्हेन यू एंटर योर फर्स्ट रूम, बी क्रिएटिव विद द कमांड्स। और यहाँ पर भाई साहब एग्जाम्पल लिखा है बंदे ने, यू कैन फिल अ रूम विद TNTs एंड लेट इट अप, गुड लक, देयर आर नो मोर रूल्स। दिस मींस हम लोग आज खुल के इस पूरे मैप के अंदर कमांड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग लेवल्स को पार करने के लिए। एंड गाइस, यही चीज है गाइस जो मेरे को बहुत ज्यादा एक्साइटेड करे भाई, पूरा रोम रोम एकदम यहाँ पे पूरा का पूरा खुश हो चुका है। बिकॉज आज मैं तुम लोगों को अपनी नॉलेज दिखाने वालों कमांड्स की। सो इफ यू गाइस एक्साइटेड, लीव अ लाइक, बिकॉज आज के रूल्स है गाइस, देयर आर नो रूल्स। तो गाइस सीधा ही स्टार्ट करते हैं। तो पहला गाइस तुम लोग देख सकते हो साइड में, हमारा पहला टास्क है ऑब्टेन 1 ओक लॉग। तो यहाँ पर हम लोगों को ये वाला ओक लॉग अपने इन्वेंटरी पे चाहिए। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे देखो गाइस, वुडन पिकैक्स का इस्तेमाल करके इसको हम लोग खोद सकते हैं, एंड देन उसको स्मेल्ट करके हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं पूरे के पूरे आयरन की एक्स, एंड इसको हम लोग खोद सकते हैं उससे। लेकिन आज हम लोग यहाँ पे कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो व्हाई शुड आई डू दिस डंप स्टफ मैन। एक काम करते हैं गाइस, डायरेक्ट यहाँ पे खुद एक गिव कमांड लगाते हैं और यहाँ पर हम लोग ओक के लॉग को डायरेक्ट कमांड से निकालेंगे। एंड गाइस पहला लेवल हमारा पार हो चुका है। देखो साइड में यहां पे हमारी सेकंड राउंड आ चुका है, जो कि है गेट टू द अदर साइड। ओके, हम लोगों को दूसरी साइड के लिए जाना है। यहां से देखो, यहां से आगे हम लोगों को दूसरी साइड के लिए जाना है। ओके, वेल मे बी शायद मैं इसको नीचे लगा पाऊं, नहीं लगा सकता हूं। दिस मींस ऑफ कोर्स हम लोग यहां पे कमांड का इस्तेमाल कर। गाइस तुम लोगों को क्या लगता है कौन सी कमांड का इस्तेमाल करके हम लोग दूसरी साइड जा सकते हैं? मेरा दिमाग तो चल रहा है टीपी कमांड, सो लेट्स डू वन थिंग /TP। यस माडे पाए, यहाँ पर मैं ये मारने वाला हूँ। ऑफ कोर्स ये सामने वाला जो ब्लॉक है ना, मैंने इसके ऊपर यहाँ पर फोकस किया हुआ है, तो ये जो हमारे कमांड्स है इसके लग जाएंगे। तो मैं चाहता नहीं कि मैं सफोकेट करके मर जाऊँ गाइस। सो वाई वाले को मैं यहाँ पर क्या करने वाला, -2 लिख देने वाला हूँ, एंड आई गेस डायरेक्ट टीपी करेंगे। मैं वहां से नीचे गिर गया, मैं मर गया एक्चुअली में। ओके, मैंने गलती कर दिया, मेरे को यहाँ पे इसको -2 की जगह पे +2 लिखना पड़ेगा, एंड शायद से फिर हो जाएगा। नहीं, मैं एग्जैक्टली उसी सेम स्पॉट पे यहाँ पे टेलीपोर्ट करो खुद को। तो गाइस एक और ट्रिक मैं यहाँ पे जानता हूँ, मैं सामने के साइड के लिए देखूं तो तुम लोग साइड में देख सकते हो टुवर्ड्स -X हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो दिस मींस मैं अगर सामने के साइड के लिए 4 ब्लॉक टेलीपोर्ट करता हूँ तो ऑफकोर्स मैं यहाँ से आगे पहुंच जाऊंगा। तो लेट्स डू वन थिंग, -4 करके अगर मैं टीपी करूंगा तो एग्जैक्टली गाइस हम लोग डायरेक्ट टीपी कर चुके दूसरी साइड से इस साइड के लिए। बेसिकली ये हमारी एक कमांड की ट्रिक होती है जो कि तुम लोगों को पता नहीं होगी शायद से, बट मेरे हिसाब से पता होनी मंगती है मैंने। एंड अगला क्या है हमारा, किल पिगमैन। इसको तेरी पकौड़े, तू रुक अभी मैं तेरे को बताता है यहाँ पे। तो भाई मैं यहाँ पे ना गाइस पूरा का पूरा समन कर देने वाला हूँ TNTs, बट कहाँ पे करना है एग्जैक्टली मैं तुम लोगों को बताता हूँ गाइस कहाँ पे करने वाला मैं। ऑफ कोर्स अभी भी गाइस हम लोग यहाँ पे -X की डायरेक्शन में सामने की साइड देख रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे लगभग पहले मैं इसको कॉपी करके रख देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ गाइस, ठीक है ना, तो 1, 2, 3, 4 ब्लॉक आगे मेरे को बस फ्रंट के साइड के लिए 4 ब्लॉक आगे यहाँ पे TNT समन करने, तो -4 लिखेंगे और जैसे एंटर करूंगा उसी टाइम पे भाई बंदा यहाँ पे पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ अगला, गेट थ्रू कॉप वेब टनल। भाई एक चीज तुम लोगों ने नोटिस करी, यहाँ पे जैसी वाली दीवार टूटी यहाँ पर बेडरॉक बन गया अपने आप। ओके, मेरे को इस चीज का भी ध्यान देना पड़ेगा ब्रो, ये मेरे लिए बहुत ही क्रूशियल चीज साबित हो सकती है। बट गाइस उस बंदे को जिस तरीके से मैंने मारा भाई, अरे कुछ ब्लॉक्स है भाई, ब्लॉक में उठा दूंगा भाई, कोई टेंशन की बात नहीं है। गाइस अगर तुम लोगों को वो TNT समन करने का मेरा तरीका ऑसम लगा ना, तो लाइक जरूर करना इस वीडियो में। ओके, जितने ज्यादा लाइक बजेंगे उतना ही ज्यादा मोटिवेशन मेरे को मिलने वाला। बे यार ब्रो सीरियसली मैन, यहाँ से आगे जाना पड़ेगा हम लोगों को, एंड कॉप वेब तुम लोगों को पता स्लो तो होता ही है, बट साथ ही साथ सोल सैंड है नीचे। मैं ना यहाँ पर कम से कम 10 से 15 लेयर लग रही है मेरे को कॉप वेब की, और मैं अगले साल तक तो शायद से पहुंच ही जाऊंगा भाई, है ना, अगले साल के दिसंबर तक। मुझे यहाँ पे कोई ना कोई टीपी, ऑफकोर्स मैं टीपी कमांड का इस्तेमाल कर सकता हूँ, बट मैं एक और काम कर सकता हूँ कि सारे के सारे कॉप वेब को ना मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर सकता हूँ पानी में। लाइक अगर टॉप लेयर को मैं पानी में कन्वर्ट कर दूंगा तो सब कुछ यहाँ पे डिसॉल्व हो जाएगा अपने आप ही, है कि नहीं है। सो लेट्स डू वन थिंग, मैं यहाँ पर गाइस फिल कमांड का इस्तेमाल करने वाला हूँ। एक बार जरा देख लेते हैं, ठीक है, इसको इस वाले कोने से लेकर ये जो हमारा नीचे वाला कोना है यहाँ तक मैं यहाँ पर गाइस पानी फिल करना चाहूंगा। देखो अगर पानी फिल करता हूँ तो आई गेस आगे के लिए रास्ता तो बन रहा है हमारे लिए, रास्ता बन रहा है, पर मैं तैर नहीं पा रहा हूँ। मैं तैर नहीं पाऊंगा, अरे
भाई नहीं 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 मैं मर जाऊंगा ऐसे करके ब्रो। नीचे सोल सैंड लगी हुई है ब्रो, पानी और सोल सैंड का कॉम्बिनेशन कितना गंदा होता है भाई, तुम लोगों को पता है। सो लेट्स डू वन थिंग मैन, अभी यहाँ पर कहीं पानी की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा हम लोगों ने यहाँ पे चेंज कर दिया है। अब मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, अगेन यू नो एयर फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे एयर फिल करेंगे, सारा सारा पानी हमारा गायब हो जाएगा एंड ऑफकोर्स हम लोग यहाँ से थोड़ा सा आगे आ जाएंगे। एक काम करते ब्रो, सबसे पहले मैं फिल कमांड का इस्तेमाल करने वाला हूँ और यहाँ से मैं जितना आगे जा सकता हूँ आई गेस वो सबसे लास्ट वाला ब्लॉक पकड़ा, यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ इसको कबल स्टोन में कन्वर्ट कर देने वाला। देखो भाई, जब हम लोग यहाँ पे कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं नीचे गिर गया ब्रो। ओ माय गुडनेस, मैं एक नंबर का बेवकूफ हूँ, मैंने यहाँ पे ना गलत ब्लॉक को सिलेक्ट कर दिया गलती से। एक काम कर बेटे, एयर सिलेक्ट कर, ठीक है मेरे भाई। ओ देखो, जैसे यहाँ से ब्लॉक गए यहाँ पर नीचे, ये कन्वर्ट हो गया हमारे बेड रॉक में। चलो बढ़िया ही हो गया भाई एक हिसाब से। तो भाई मैं अभी यहाँ पे सेम चीज करने वाला, फिर से इसको यहाँ पे फिल करेंगे, कॉपी करेंगे एंड जो हमारी ये वाली है इसको नीचे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर मैं अगेन भर देने वाला हूँ एयर, ठीक है ना मेरे बेटे। एयर फिल कर दी और ये यहाँ पर गायब हो चुका है। एंड सेम टू सेम गाइस मैं इसके साथ भी करने वाला हूँ यहाँ पे, एंड सेम इसी स्टेप को फॉलो करके मैं सारे के सारे कॉबवेब्स को यहाँ पर ना गाइस गायब कर देने वाला हूँ। ठीक है, सिंपल एज दैट ब्रो। मेरे को ज्यादा से दर्दी चाहिए ही नहीं है, धीरे धीरे करके सबको यहाँ पे एयर में कन्वर्ट करो भाई, भाड़ में जाए। और आखिरी वाली कमांड देखो गाइस, मैंने यहाँ पे ना थोड़ा सा बिग ब्रेन का इस्तेमाल किया है। अगर मैं डायरेक्ट इस नीचे वाले बेड रॉक को यहाँ पे एयर में कन्वर्ट कर दूं तो तुम लोगों को बताइए एयर में तो कन्वर्ट होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अपने आप ही बेड रॉक में कन्वर्ट हो जाएगा एंड बाकी का जितना भी हमारा माल है सामने का लाइक सारे सारे कॉपी वे सारे के सारे एयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। सारे नहीं हुए बट कोई बात नहीं भाई, यहाँ पे हम लोग नीचे क्राउच करके निकल जाएंगे, हमारा काम हो जाएगा, बस बात ही खत्म है। एंड गेट थ्रू कॉप, ओह एग्जैक्टली, देखो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा टास्क आ चुका है। ओके दैट वाज ग्रेट यार, मतलब भाई क्या ही बोलूं यार, मेरे को बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है बाय द वे कि मैं इतना अच्छा कमांड्स वगैरह का इस्तेमाल कर सकता हूँ। एंड अगला है हमारा पुट एनविल इनटू हॉपर। ओके एनविल हम लोगों को यहाँ पे डालना, तो सिंपल है ब्रो। अगर मैं यहाँ पे गिव कमांड का इस्तेमाल करूंगा तो मैं खुद को यहाँ पर एनविल इजिली दे सकता हूँ, है ना। और इस एनविल को बस यूं करके ड्रॉप कर देंगे तो यहाँ पर देखो साइड में टास्क चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ बैठी। यहाँ पर एक प्रेशर प्लेट दी हुई ब्रो, प्रेशर प्लेट को दबा के कुछ होगा क्या? हेलो कुछ भी नहीं होगा भाई इसको दबा के। ओके यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना है ब्रो हम लोग को, नीचे क्या यहाँ पे है? ओह नीचे एक और प्रेशर प्लेट है गाइस, वहां पे देखो। वेट अ सेकंड, लेट्स डू वन थिंग। यहाँ पर अगर मैं इसको नीचे फेंकूंगा, जो कि मैं फेंक नहीं पाया, ऐसे करके फेंकूंगा तो प्रेशर प्लेट दबी और मेरे हाथ पे कैनविल आ गई। ओह कैन बी प्लेस्ड ऑन स्मूथ क्वार्ट्ज ब्लॉक। वेट मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर दूंगा, नो वेट मेरे दिमाग में आई एम सो कंफ्यूज ब्रो। मैं अगर इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर दू, यहाँ पे प्लेस कर दूंगा तो इसको, वेट मैं यहाँ पे इसको प्लेस नहीं करने वाला हूँ। नीचे दिखाओ जरा एक बारी, ओए नीचे देखो, नीचे एनविल गायब होगी ब्रो, दिस इज नॉट गुड ब्रो। मैं इसको डायरेक्ट इसके अंदर डालूंगा। यस एग्जैक्टली, साइड में देखो हमारा टास्क चेंज हो चुका है ब्रो, इन लोगों ने हमारा बेवकूफ बना दिया था। स्लीप इन बेड। ओके स्टिक दे रखी है, कबल स्टोन दे रखे हैं। ओके वेट, यहाँ पर हमको क्या करना है ब्रो? स्टिक और दो कबल स्टोन का मतलब हो गया कि हम लोग यहाँ पे इससे बना सकते हैं शायद से एक क्या बोलेंगे उसको, लाइक तलवार बना सकते हैं। पर तलवार से क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास स्ट्रिंग, देखो गाइस एग्जैक्टली 9 स्ट्रिंग्स है मेरे पास जिससे मैं यहाँ पे बना सकता हूँ 2 वूल। अभी मैं यहाँ पे पूरा एक बेड भी नहीं बना सकता हूँ यार, कसम से ब्रो। ओके अगर मैं इसको यूं करूंगा, यहाँ पर मैं इसे क्राफ्टिंग टेबल बनाऊंगा तो मैं इस क्राफ्टिंग टेबल को नीचे कहीं पे रख सकता, नहीं नीचे भी नहीं रख सकता मैं इसको सीरियसली। तो अगर मैं इसको नीचे नहीं रखूंगा तो मैं फिर यहाँ पर बेड कैसे बनाऊंगा? एंड आई एम 100% श्योर गाइस कि बेड को हम लोग यहाँ मैंने गोल्ड के 2 ब्लॉक्स के ऊपर रख सकते हैं, गारंटी है मेरी चीज के लिए। लेकिन वेट आई एम सो कंफ्यूज यार, यहाँ से अगर मैं बैक जाऊंगा है ना, देखो यहाँ से मैं आगे जा सकता हूँ, ओ मैं यहाँ से वापस तभी आ सकता हूँ। अरे मैंने गलती कर दी ब्रो, देखो यहाँ पे ना गाइस हम लोगों को किसी भी हालत में बनाना तो यही है, स्टोन की सवारी बनाने किसी भी हालत में, ये मेरी गारंटी है। बट इसके अलावा स्ट्रिंग्स यार, एक सेकंड रुको जरा, देखो यहाँ से आगे और टीपी करना पड़ेगा खुद को। ओके यहाँ से आगे करेंगे खुद को टीपी एंड मे बी मैं क्या इसको, ओ यहाँ देखो जो मैंने स्वॉर्ड बनाई, स्वॉर्ड से मैं इसको खोद सकता हूँ। देखो ना नीचे लिखा हुआ है कैन ब्रेव कॉब वेब। अरे एक सेकंड रुको, ये तो गाइस मैं यहाँ पे बिना कमांड के इस्तेमाल के इसको पार करने की कोशिश कर रहा ब्रो। देखो यहाँ से हम लोग वापस एक्चुअली जा सकते हैं। ओ मतलब हम लोग के सारे लेवल्स को बिना कमांड के भी पार कर सकते हैं। और मैंने गाइस एक बड़ी बेवकूफी कर दी, जो मैंने यहाँ पर वुड का वो लिया था ना इससे पहले, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया क्राफ्टिंग टेबल में, जो कि वेस्ट हो चुकी है। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, खुद को मैं यहाँ पे ओक का लॉग देता हूँ जो कि मैंने यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल में वेस्ट कर दिया, बिकॉज हम लोग यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बाय द वे गाइस कमांड्स का। तो आई गेस इससे हो जाएगा, नहीं इस पे नीचे लिख के तो नहीं आ रहा कि हम लोग इस पे इसको रख सकते लाइक गोल्ड के ब्लॉक्स पे। एक सेकंड रुको, मेरे को वापस जाना पड़ेगा एक बारी, खुद को टीपी के आगे के लिए, यहाँ से गए इधर के लिए एंड यहाँ से राइट साइड के लिए। क्या हम लोग इसको प्लेस कर सकते,
ओ यार रुको गाइस, प्लेस करने का ऑप्शन आ रहा है, मैं इसको प्लेस कर सकता हूँ। ये तो मैंने बिना कमांड के एक सेकंड को स्लैश गिव यस मल्टीप्लाई बेड, मैं डायरेक्ट खुद को ना बेड देने वाला हूँ भाड़ में जाए। ठीक है गाइस, मैं खुद को यहाँ पे ना रेड कलर का बेड देने वाला हूँ। लेट मी चेक वन टाइम, आई मीन यार मैंने ये वाला बेड यहाँ पे लगा तो दिया है ना, मे भी हो सकता है मैं इस बेड के इस्तेमाल से भी कर पाता, बट क्या ही कर सकते हैं भाई, है कि नहीं है। बिना कमांड के भी मतलब मैंने इस लेवल को पार कर दिया, तो यू गाइस शुड बी प्राउड ऑफ मी। ओके गाइस, एंड हम लोग यहाँ पे इजीली सो सकते हैं, हमारा यहाँ पे टास्क कंप्लीट हो चुका है। तो साइड में लिखा है लिट द रेड स्टोन लैम्प, आगे का हमारा रास्ता खुल चुका ब्रो। यहाँ पे रेड स्टोन के लैम्प को हम लोगों को कन्वर्ट करना। ओके, यहाँ से ऊपर एक ऐसा बादल जैसा बना हुआ है, आई डोंट नो यहाँ पे करना क्या है। एक बर्च की सैपलिंग है, कैन बी प्लेस ऑन डर्ट ऑफ कोर्स, एंड यहाँ पे बोन मिल दिया हुआ। वेट, मैं इन्फिनिट निकाल सकता हूँ इसको, नाइस। इसका मतलब समझे दया, इसका मतलब है कि मेरे को इसको यहाँ पे इस पे कन्वर्ट करना है ऑफ कोर्स, बट नाउ व्हाट टू डू। यहाँ पर रेड स्टोन का लैम्प कहाँ पे दिया पहली बात तो ये बताओ मेरे को यार ब्रो। और यहाँ पे एक सेकंड रुको, यहाँ पे और हम लोग बर्च के सैपलिंग्स और निकाल सकते हैं इन्फिनिट, तो यहाँ पे और बर्च के सैपलिंग्स लगाने का है हमको, क्योंकि यहाँ से पीछे तो कुछ भी नहीं है भाई करने के लिए, गारंटी है मेरी। व्हाट शुड बी डू, आई गेस मेरे को गाइस यहाँ से ऊपर जाना है। मैं काम करूँ, मैं यहाँ से ना एक काम करते गाइस, खुद को ऊपर टीपी करता हूँ मैं, टीपी यस मार्टी पाए। ठीक है, और मेरे को यहाँ से ऊपर के लिए जाना है, तो आई गेस यहाँ से ऊपर कितना होगा ये डिस्टेंस तुम्हारे हिसाब से। पहले मैं इसको यहाँ पे कॉपी करके रख देता हूँ, ठीक है ब्रो। मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ से ऊपर क्या 25-30 ब्लॉक होगा शायद से, 30 ब्लॉक ऊपर चलते हैं। तो 30 का मतलब होगा कि वाई एक्सिस पे मैं यहाँ पे 30 डाल दूंगा, प्लस 30। ओ मैं 100 पे था, रेडस्टोन के लैंप को एक्टिवेट कर दिया। उधर को साइड में लिखा हुआ है नया टास्क का, ऑब्टेन डायमंड ओर रेयर ड्रॉप, ऑब्टेन डायमंड ओर। ओके, एंड आई गेस मेरे को यहाँ पे 30 ब्लॉक ऊपर ना जाते हुए, रुको मैं समझ गया एग्जैक्टली यहाँ पर क्या करना है। आई गेस 25 ब्लॉक की हाइट थी लगभग, तो एक काम करते हैं -23 देता हूँ, बिकॉज 100 पे कोई रिस्क नहीं। लो भाई सफोकेट करके मर गया। और मैं कहाँ पे आ गया हूँ, ये जहाँ पर हम लोगों ने बेड लगाया था, दिस इज नाइस ब्रो। तो मैं एक चीज तो मैं समझ चुका हूँ कि मेरे को यहाँ पे बस ऑब्टेन करना है डायमंड के। वेट, अरे हम लोग नए रूम में आ गए एक्चुअली में, यहाँ देखू, यस दिस इज आई गेस हम लोग को वहां से ऊपर जाना है। चलो ठीक है यार, देखो ये क्या है, गोल्डन स्वॉर्ड दी हुई है, लूटिंग वन। वेट अ सेकंड, और यहाँ पे ब्लेज का स्पॉनर दिया गाइस, यहाँ पे लिखा है कैन बी प्लेस्ड ऑन प्रिज्मरीन, और इसको भी हम लोग यहाँ पे इन्फिनिट निकाल सकते हैं। इसका मतलब समझे गाइस तुम लोग, इसका मतलब ये कि मेरे को इसको यहाँ पर प्लेस करके शायद इसको मार के मेरे को यहाँ पे ऑब्टेन करना डायमंड के ओर को। वेट, डायमंड के ओर को तो मैं डायरेक्ट, अरे भाई मेरे कितने बुरे हाल है यार गाइस, मैं डायरेक्ट यहाँ पे डायमंड का ओर निकाल भी तो सकता हूँ ना मेरे भाई। डायमंड ओर ले, आजा, नहीं देखो साइड में गई नहीं। ओ इस बंदे ने मेरे को बोला था कि आप यहाँ पे कोई भी कमांड का इस्तेमाल कर सकते हो, बट ना बेटा यहाँ पर हम लोग कमांड का इस्तेमाल एक्चुअली कर नहीं सकते। आई थिंक गाइस आई नो व्हाट टू डू, बिकॉज यहाँ पे लूटिंग वन वाली बुक्स देख के रखी हुई है, और इस टास्क में तुम लोग देख सकते हो साइड में लिखा है रेयर ड्रॉप, दिस मींस हम लोग कुछ ऐसे लूटिंग का इस्तेमाल करके करना है। अरे पर मेरे पास लेवल ही नहीं है ना भाई यहाँ पे तो लेवल। ओ वेट 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 वेट, ये तो हमने सोचा ही नहीं मेरे भाई। एक्सप्रेस सेट या स्मार्टीफाई, सीधा ही 10,000 एक्सपी के मैं लेवल्स दे देने वाला खुद को। लो सीधा ही भाई 10,000, थोड़े बहुत कम भी नहीं। एक काम कर, इन सारी की सारी बुक्स को मैं यहाँ पे कंबाइन करने वाला हूँ, लूटिंग 2 बनेगी लूटिंग 3। आई डोंट थिंक सो कि लूटिंग 3 से ऊपर कुछ होता है, तो लूटिंग 3 की ये आएगी यहाँ पे। एंड व्हाट आई एम गोना डू इज इसको यहाँ पे करेंगे, इसको फटाफट मार, फटाफट मार भाई, बिल्कुल भी यहाँ पे रिस्क नहीं चाहिए अपने को। ठीक है, ये यहाँ पे आएगा, मार मार तेरी पकौड़े ऐसी की तैसी, कमॉन बॉय। मेरे को ओ माय गॉड, बिना आर्मर के कितना गंदा डैमेज देता है ये ब्रू, बिल्कुल मरना नहीं मेरा भी यहाँ पे। अरे देखो साइड में चेंज हो गया। वेट, गेट एडवांस वर्ड ऑफ फ्यूरियस कॉकटेल ब्रो, मतलब वो डायमंड का ओर आया कहाँ पे भाई, मेरे को दिख तो नहीं रहा है बाय द वे, बट आई गेस आ गया होगा यार, मैं लेवल पार हो गया मेरा। आई मीन ये वाला भी बहुत ज्यादा अच्छा था, इनफैक्ट मेरे कितने बुरे हाल है। फालतू में ही भाई यहाँ पे सारे लूटिंग की वो बना, इससे बड़ा डायरेक्ट खुद को मैं एक लूटिंग 3 वाली स्वॉर्ड दे देता यार, क्या ही फर्क पड़ जाता है कि नहीं है, थोड़े बुरे हाल तो है मेरे। एंड यहाँ पे मुझे फ्यूरियस कॉकटेल जो एडवांसमेंट है ना, इस एडवांसमेंट के लिए मुझे सारे के सारे टाइप के पोशन बनाने पड़ेंगे, सारे के सारे इफेक्ट लगाने पड़ेंगे खुद को, पता है तुम लोगों को, जो कि कितना रेयर होता है। अब यहाँ पे इतने सारे कॉम्बिनेशन के साथ मैं पागल हो जाऊंगा ब्रो, तो एक काम करते गाइस यहाँ पे हम लोग खुद का एडवांसमेंट दे देते हैं ना भाई, एडवांसमेंट ग्रांट या स्मार्टीफाई क्या है, फ्यूरियस कॉकटेल। तो हम आई गेस फ्यूरियस कॉकटेल होती भी है क्या, ओनली फ्यूरियस कॉकटेल है भी कि नहीं है,
ओ मुझे यहाँ पे एडवांसमेंट अगर देनी है खुद को तो इसको ना कुछ और नाम होता शायद से। ओके यहाँ पे भाई साहब ये फ्यूरियस कॉकटेल पता नहीं भाई कहाँ पे होगी यार, यहाँ पर इसको ढूंढना बड़ा मुश्किल है ब्रो, सीरियसली बताऊं तो मैं तुम लोगों को इसका ना एग्जैक्ट नेम अफ्यूरियस कॉकटेल तुमको अ लिखता हूँ जरा, अ अंडरस्कोर मे बी ऐसे करके आ जाए। नहीं देखो ना किलर मॉब कैट ऑनस्टिक और सिर्फ ये आ रही है, नहीं आएगा भाई ऐसे करके। इसका ना कुछ और नेम है इन गेम नेम कुछ और, एक काम कर भाई इधर आ तू, ओनली की जगह पे गाइस एवरीथिंग सारी की सारी एडवांस में ले जाएंगे ब्रो एंड देखो यहां पे काउंट डायमंड्स इन द क्यूब, नेक्स्ट लेवल हमारा यहां पे खुल चुका है, दिस इज नाइस ब्रोस लेट्स गो। एंड यहां पे अब ओके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है शायद से, मैंने सारी की सारी जो एडवांसमेंट ली है ना अब अगले आधे घंटे तक ही बसता रहेगा मेरे कान पे भाई साहब। हे भगवान भाई जी माफ कर दो यार, माफ कर दो सीरियसली मैन। 2000 years later ऑलराइट फाइनली भाई बहुत ही बड़ी गलती हो गई थी मेरी जिंदगी की यार, इससे बढ़िया मैं उस फ्यूरियस कॉकटेल को अगर ढूंढता ना तो मुझे वो भी मिल जाती भाई साहब। अब यहाँ पे लिखा हुआ है काउंट डायमंड्स इन द क्यूब, यहाँ पर सारे के सारे डायमंड्स को काउंट करना है मेरे को। वेट वैसे तो मुझे बाहर बाहर से डायमंड्स देख रहे हैं, बट ऑफकोर्स गाइस हम लोगों को बाहर बाहर से नहीं अंदर भी यहाँ पर डायमंड होने वाले, देखो ऊपर भी दिख रहे हैं मेरे को डायमंड, तुम लोग देख सकते हो। मुझे इसको पूरा खोदना पड़ेगा, मुझे इसको पूरा खोदना पड़ेगा भाई ठीक है। एंटर द कोड हेयर, इस पे कोड डालना है, रुको एक रैंडम नंबर डाल के देखता हूं जरा, सपोज करो इसके अंदर होंगे 36 ठीक है, 36 नंबर ऑफ डायमंड्स होंगे इसके अंदर, तो मैं इसको डालता हूं प्लीज। नो 36 नहीं है, या एक आखिरी गेस गाइस, एक आखिरी गेस जो कि बहुत ज्यादा होली नंबर है जो कि 69, लेट्स गो आई गेस 69 हो सकता है, अगर ये बंदा जिसने ये बनाया ना मैप ये हमारी तरह काफी ज्यादा होशियार होगा तो 69 जरूर डालेगा। नहीं है यार, कमान यार डूड छी यार, मुझे इसको बस फटाफट खोदना है कमांड का इस्तेमाल करके। देखो अगर मैं इसको पूरा का पूरा कमांड का इस्तेमाल करके ऊपर से लेके नीचे तक गायब कर दूं सिर्फ डायमंड के ओर्स के अलावा है ना, तो तब जाकर मुझे एग्जैक्ट लग जाएगा पता कितने डायमंड के ओर्स है, लेकिन वो वाली कमांड शायद से होती भी है एग्जिस्ट करती भी है मुझे नहीं पता भाई, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मैन आई थिंक मेरे को यहाँ पे कुछ ना कुछ तो और करना पड़ेगा ब्रो। क्या कर सकता हूँ मैं, सोचो क्या कर सकता हूँ आसपास जाके। ओ वेट अच्छा ये रीसेट का दिया हुआ है आयरन की पिकैक्स, ओके ये तो नॉर्मल पिकैक्स है जो यहाँ पे, देखो मैंने बोला इस अंदर यहाँ पे डायमंड्स दिए हुए ब्रो। नो 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 आई कांट डू दिस मैन, कैन वी डू वन थिंग गाइस, कैन वी डू वन थिंग। ओ वेट यार देखो स्लैश इफेक्ट गिव स्मार्टी पाए, क्या बोलते हैं उसको जो हम लोग को बीकन से लगता है हेस्ट, मैं इनफाइनाइट टाइम के लिए खुद को 200 हेस्ट लेवल देने वाला हूँ। ओ माई गॉड हेस्ट इनफाइनाइट लग चुका है, हेस्ट का मतलब पता क्या होता है गाइस, ये देखो यहाँ पे व्हाट इंस्टेंटली खोद रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे ओ माई गॉड दिस इज सो कूल ब्रो, यहाँ देखो दिस इज नाइस ओके ठीक है। तो कमांड का इस्तेमाल करके मैंने इस लेवल को बहुत ज्यादा इजी बना दिया, अदरवाइज तुम लोगों को पता है ना भाई ये सारे के सारे ब्लॉक खोदते खोदते ना अगले साल बीत जाती, इतने सारे ब्लॉक है ये। और देखो 31 डायमंड तो मुझे ऑलरेडी मिल भी चुके हैं, इनफैक्ट अगर मैं अभी यहाँ पे ढंग से देखूं तो 36 से ज्यादा तो मुझे ऑलरेडी मिल भी चुके, जो मेरा पहला गैस था ऑफकोर्स वो गलत था मैन, हेस्ट बहुत ज्यादा फास्ट है सीरियसली। ये देखो यहाँ पे ओ माय गॉड भाई टच करते ही टूट रहा, ऐसा लग रहा है क्रिएटिव में खेल रहा हूँ मैं सीरियसली डूड, पक्का ऐसा लग रहा है कि क्रिएटिव में खेल रहा हूँ। ओके सारे के सारे ब्लॉक्स मैंने तोड़ दिए हैं, मैं ऑलमोस्ट अभी फॉल डैमेज से मरने वाला था, मैं बेवकूफ हूँ क्या। और 59 टोटल भाई, मैंने 69 बोला था इससे पहले, सिर्फ 10 कम है यार भाई, कमाल कर रहा है यार भाई क्रिएटर ब्रो, 69 कर देता भाई 59 की जगह तो तेरा क्या चला जाता ब्रो। इसको करेंगे तो कुछ हुआ, ओ माय गॉड गाइस ये दरवाजा अपने आप टूट चुका है एंड आई गेस कमांडेड, थैंक्स फॉर प्लेइंग माय गेम गाइस। ये मैप बहुत ज्यादा ऑसम था यार, इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग, नीचे कुछ लिखा है ऑल्सो दिस गेम कैन बी बीटन विदाउट यूजिंग एनी कमांड, लाइक ऑफकोर्स हम लोग कर सकते रहे सारे के सारे लेवल्स को पार, बट द थिंग इज गाइस कि बहुत ही ज्यादा ऑसम मैप था ये, और इसी टाइप के और बहुत इंटरेस्टिंग मैप्स में 100% फ्यूचर में लेकर आने वाला, तो सब्सक्राइब जरूर करना गाइस एंड इस वीडियो को लाइक गेम आई गेस 150,000 लाइक्स कंप्लीट जरूर करना। तो वैसे इस वीडियो में इतना ही, लाइक करो सब्सक्राइब करो चैनल को और मिलता है आप लोगों से ऐसी धांसू नेक्स्ट वीडियो में, तब से बाय बाय।